hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today we are going to have discussion on the accountancy and financial management semester one some of the important mcqs we are going to revise so this mcqs will be helpful for your examination and we'll be also revising some important concepts from the multiple choice question so let us start with today's video this is the part one you'll be getting more videos on accountancy and financial management and other subjects also तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आर आर एलोकेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ सेल्स परचेजेस नंबर एक्सपेंसिस एंड फ्लोर स्पेस एरिया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन से बेसिस पे एलोकेट किए जाते हैं तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या ये सेल्स पे एलोकेट किए जाते हैं बिल्कुल नहीं एलोकेट होते हैं बिल्कुल भी नहीं नंबर ऑफ एम्प्लॉय और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का कुछ भी लेना देना नहीं है तो हमारा सही आंसर सही ऑप्शन बचता है फ्लोर स्पेस एरिया तो राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर वन इज फ्लोर स्पेस एरिया के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को एलोकेट किया जाता है अस सी द सेकेंड क्वेश्चन नाउ विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन डेप्रिसिएबल असेट तो इनमें से कौन सा डेप्रीसिएबल असेट नहीं है मतलब इनमें से कौन से असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होता ऑप्शन आर लैंड नंबर सेकेंड मशीनरी नंबर थर्ड माइंस नंबर फोर्थ इस मोटर व्हीकल्स तो हमें यह देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है यस माइंस के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है यस मोटर व्हीकल्स के ऊपर भी डेप्रीसिएशन चार्ज होता है लेकिन एक ही ऐसा असट है इन ऑप्शन में से जिसके ऊपर डेप्रीसी चार्ज नहीं होता एंड दैट इज कॉल्ड एज लैंड बिकॉज लैंड हमेशा एप्रीसिएट होता है डेप्रीसीट नहीं होता तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड विल बी लैंड द थर्ड इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स

जो रेगुलर वे पे चलते हैं रिकरिंग वे पे चलते हैं या रिकरिंग एक्सपेंसेस जिसको हम मानते हैं जो नॉर्मली होते रहते हैं तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का जो इंपैक्ट uh, या जो बेनिफिट हमें मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ वन ईयर के बेसिस पे ही मिलता है तो इसका राइट right आंसर बनने वाला है बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड इन वन ईयर विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स सेल ऑफ़ स्क्रैप इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट तो सेल ऑफ़ स्क्रैप मतलब क्या होता है जो हमारे पास कुछ स्क्रैप मटीरियल बचा है उसको हम सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे तो हमें सिंपल कंसेप्ट पता है कि अगर हमें पैसे मिलते हैं तो इट्स वन काइंड ऑफ इनकम फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा इसको क्रेडिट साइड में लिखेगा तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा अब पहला ऑप्शन तो इसमें से चले गया लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो इसका राइट right आंसर बनेगा क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं दिस इज फॉर द क्लोजिंग स्टॉक तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है आपने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट प्रूडेंस कंसेप्ट या एंटिटी एंटीटी सो स्टॉक जो होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर के बेसिस पे वैल्यू किया जाता है और ये जो अकाउंटिंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है इसके बेसिस पे कौन से कंसेप्ट के बेसिस पे स्टॉक को हम कॉस्ट और मार्केट ट एवर इज वैल्यू एवर इज लोअर के बेसिस पे वैल्यू करते हैं तो दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा रियलाइजेशन कंसेप्ट नेक्स्ट काफी सिंपल क्वेश्चन है गुडविल इज अ डैश असेट बेसिकली इट्स एन इन असेट करंट अट की टेम्पररी असेट तो आई अज्यूम दैट इज सबसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है तो हम गुडविल एक टाइप का फिक्स असेट है लेकिन फिक्स असेट में भी हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेंजिबल और इनटैंजिबल तो इसमें से गुडविल हमारे लिए इनटैंजिबल असेट है बिकॉज गुडविल को हम देख नहीं सकते गुडविल को हम सिर्फ फील कर सकते हैं तो दैट इज वाई गुडविल क्या है बेसिकली एक नाम रेपुटेशन कॉर्पोरेट स्टैंडिंग मार्केटिंग में जो होता है गुडविल पेटेंट्स कॉपी राइट्स ये सारे के सॉरे हमारे इनटेंजिबल असेट्स होते हैं तो राइट right आंसर इसका बनेगा इंटेंजिबल अट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं फ्रॉम द चैप्टर ऑफ हायर परचेस हायर परचेस प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट या कैश प्राइस माइनस इंटरेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हायर परचेस प्राइस हम कैसे ढूंढते हैं हायर परचेस प्राइस ढूंढने के लिए हमें कैश प्राइस की वैल्यू में इंटरेस्ट की वैल्यू को प्लस करनी पड़ती है तो वी नीड टू एड कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दैट इज वाई हायर परचेज प्राइस विल बी कैश प्राइस प्लस द इंटरेस्ट नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर एट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ डैश अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और इनपर्सनल अकाउंट देखो प्रीपेड का मतलब होता है हमने ऑलरेडी पेड कर दिया है इसको हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं तो प्रीपेड सैलरी प्रीपेड इंश्योरेंस बेसिकली इसको हम कौन सा अकाउंट कंसिडर करते हैं इट्स वन काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज शोन इन द बैलेंस शीट असेट साइड क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं कैरेज पेड ऑन मशीनरी इज डैश कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर तो कैरेज अगर हम मशीनरी पे परचेज जो मशीनरी है उसके लिए हम लोग कैरेज का पेमेंट करने वाले हैं तो मशीनरी इज वन काइंड ऑफ असेट इसके लिए क्या होगा मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बेसिकली मशीन इज वन काइंड ऑफ असेट और असेट के ऊपर अगर आप कोई भी खर्चा करते हो रेगुलर पे पे करोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा लेकिन वन टाइम एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो दैट विल बी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द असेट एंड दैट इज व इट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट हमारा स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर से इन डैश मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन आइटम्स रिसीव्ड फर्स्ट आर इशुड फर्स्ट सो दैट द लेटेस्ट परचेज आइटम्स आर लेफ्ट इन द स्टॉक काफी सिंपल है तो इसमें यूजली आपको दो मेथड है वन इज कॉल्ड फीफो मेथड एंड अनदर इज कॉल्ड एस वेटेड एवरेज तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं फीफो वेटेड एवरेज हीफो और नीफो हीफो का फुल फॉर्म है हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट और नीफो का फुल फॉर्म है नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन के बेसिस पे अगर देखेंगे तो इन डैश मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन आइटम्स रिशुड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट सो दैट लेटेस्ट परचेज आइटम्स आर लेफ्ट इन द स्टॉक तो जो आइटम्स को हम पहले परचेज करेंगे उसको हम पहले सेल आउट कर लेंगे जो पहले गुड्स परचेस किए हैं या पहले जो रॉ मटेरियल्स परचेस किया है उसको हम पहले बेचने वाले हैं तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो राइट आंसर इसका बनेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विच इज कॉल्ड एज बिफोर तो दीज आर द टेन एम सी क्यूज विच वी है तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आ रे सेम लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल को भी डाउन down, डाउनलोड uh, करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले वहाँ पर भी आपको सारे पी डी एफ्स इसके फ्री में मिलने वाले हैं और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए और अगर अच्छा लगा है तो लाइक like करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर